हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 9 का मैथ का है। ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 2। चैप्टर आपका 2 है। ये प्रश्नावली है आपका 2.1 के 1 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, हमारा निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, एक्स का गुणांक लिखना है। इसका पहला पार्ट देखिए, इसका दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें कंडीशन दे दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो एक होता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट दिया है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस आपका दिया है एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देख रहा है, याद दे देंगे माइनस 1 हो जाएगा। तीसरा इसका पार्ट है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा है, कह रहा है कि अंडर 2 एक्स माइनस 1। तो एक्स देखिए, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको बना लें धन 0 एक्स स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ने केवल जो बहुपद दिया था उसके गुणांक को लिखना था और एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखना था। तो पूरा गुणांक हम लोग लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर आप आइए 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 35 घात वाला एक द्विपद, 35 घात का द्विपद लिखिए और 100 घात का एक पद का उदाहरण दीजिए। ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें 35 घात हो और दो पद हो। तो लिख दीजिए एक्स टू द पावर 35 अधन एक्स स्क्वायर। देखिए हो गया, ये दो पद है इस घात का 35 पहला एग्जाम्पल। और दूसरा कह रहा है एक पद हो 100 घात हो, तो एक्स टू द पावर 100 कर दीजिए, एक पद है। तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात बताना है। पहला जो कह रहा है 5x³ प्लस आपका 4x² प्लस 7x। देखिए बहुपद का घात जो सबसे बड़ा घात होता है हो जाएगा, तो एक्स का घात ये 3 है ना, घात हो जाएगा 3। दूसरा इसका पार्ट है कह रहा है 4y² इसका घात क्या हो जाएगा, सब 2 घात। नेक्स्ट आपका दिया है तीसरा 5t माइनस अंडर रूट 7। देखिए इसका घात क्या है 1, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। और निम्नलिखित में बताइए कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं, इसे बताना है। देखिएगा पहला इसका जो पार्ट है एक्स स्क्वायर बाय 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका दूसरा जो पार्ट है वो दिया है एक्स माइनस एक्स क्यू। तीसरा पार्ट इसका है वाई धन वाई स्क्वायर धन 4। चौथा जो पार्ट इसका है 1 प्लस एक्स। पांचवा जो पार्ट है वो आपका 3t। छठवां जो पार्ट है आपका ये आपका आर स्क्वायर। सातवां जो पार्ट है आपका 7x³।
तो देखिए आपका बहुपद है, बहुपद में क्यों घात बताना है, कितने घात का है, ए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, दो, इसमें घात एक, देखिए सॉरी ये घात नहीं, एक आपको बताना कितने घात का ये बहुपद है, रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती। तो देखिए दो घात का बहुपद द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती लिख देंगे, ये तीन घात है तो त्रिघाती हो जाएगा, ये दो घात का है तो द्विघाती हो जाएगा, ये एक घात का है तो रैखिक हो जाएगा, और एक घात का है तो भी रैखिक होगा, देख रहे ना, एक घात है, ये दो घात का है तो द्विघाती हो जाएगा, ये आपका तीन घात का है तो त्रिघाती हो जाएगा। इस प्रकार जो बहुपद है इसमें आपका द्विघाती, त्रिघाती, द्विघाती, रैखिक, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स में प्रश्नावली होगा, नेक्स्ट प्रश्नावली होगा, नेक्स्ट आपका प्रश्नावली है, ये 2.2, 2.2 का पहला क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है कि निम्न निम्न पर बहुपद के मान ज्ञात करना, मान देखिएगा ये बहुपद दिया है 5x -4x² +3, ये क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन का पहला पार्ट कह रहा है x बराबर 0 पर निकालिए, पहला ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है x बराबर -1 पर निकालिए, तीसरा इसका पार्ट है x बराबर 2 पर, ये इस मान पर ये जो बहुपद दिया गया इसका मान ज्ञात करना है, क्या मान निकालें, जान लीजिएगा इसी पर जहाँ यहाँ एक्स है उसके बाद 0 कर दीजिए, 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर +3, ये 0 जाएगा 0 और +3, एक्स बराबर 0 पर ये दिए गए बहुपद का मान कितना जाएगा 3 हो जाएगा, और एक्स बराबर -1 पर ये मान निकाल रहा हूँ तो 5 × -1 = 4 -1² = 3, ये -5 जाएगा और +4 जाएगा +3, ये आपको -5 × 7 = 7 है 2 हो जाएगा। अब आइए निकालिए मान, तो ये आपका 5 × 2 होगा -4 × 2 का वर्ग होगा -3 होगा, 5 × 10 2 × 4 = 16 + 3, तो 10 × 3 = 13 -16 = कितना जाएगा -3, तो आपका मान ज्ञात हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।